मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। चुनाव आयोग ने आखिरकार लोकसभा के 4 चरण पूरे होने के बाद इस बात का खुलासा कर दिया कि पीएम मोदी के आपत्तिजनक बयानों और दूसरी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया है। और चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है उसे देखकर मुझे वो गाना याद आ गया कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। पहले आपको दिखाते हैं कि घर से निकलते ही यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या दावा किया था। यू हैड सेड इन योर स्पीच दैट देयर शुड बी नो हेट स्पीच, देयर विल बी अ कैलिब्रेटेड अप्रोच टू एमसीए कोड वायलेशंस, बट देयर हैव बीन सेवरल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह, बट नन ऑफ द ईसी हैज नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट देम, बट यू हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर्स। मैं आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होकर किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप क्वेश्चन बेसिकली पूछना चाह रहे हैं। पूछना नहीं चाह रहे, आरोप लगा रहे हैं, इसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव अ क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शन की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए, सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है, सबने कार्रवाई की। We are very, as I said, they are kind of a moral censor which we have in the beginning shoot. और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, howsoever high star campaigner he or she may be, we will not sit back, we will take action. यानी घर से निकलते ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे तेवर के साथ ये दावा किया था कि कोई कितना भी बड़ा स्टार कैंपेनर क्यों न हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भड़काऊ बयान देता है, अगर कोई नफरती बयान देता है, अगर कोई ऐसे बयान देता है जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। लेकिन हकीकत में क्या हुआ है? चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि अब तक की शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया है, खासकर पीएम मोदी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। इस सवाल का जवाब देश की पूरी जनता जानना चाहती है, क्योंकि पीएम मोदी लगातार अब तक ऐसे बयान दे रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर दूसरे दलों को नीचा दिखा रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के नाम पर तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं, धर्म के नाम पर खुल्लम खुला राजनीति कर रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन लिया है? चुनाव आयोग ने एक जानकारी पोस्ट की है, एक प्रेस नोट जारी किया है और इसमें बताया है कि 90% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। लगभग 425 शिकायतें में से 400 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। कांग्रेस की 170 शिकायतें थी, भाजपा की 95 शिकायतें थी और अन्य पार्टियों की तरफ से 160 शिकायतें मिली थी। हालांकि कांग्रेस और भाजपा की कुछ शिकायतें अभी पेंडिंग हैं। और पेंडिंग आखिरकार कौन सी शिकायतें हैं? दरअसल पीएम मोदी वाला मामला अब तक पेंडिंग है, राहुल गांधी वाला मामला अब तक पेंडिंग है। पीएम मोदी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो के नाम पर झूठ फैला रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को सब कुछ वितरित कर दिया जाएगा। घुसपैठिया शब्द का जो इस्तेमाल किया था, राजस्थान की रैली में जो भाषण दिया था पीएम मोदी ने, उसको लेकर शिकायत की गई थी। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने यह शिकायत की थी कि राहुल गांधी गरीबी को लेकर झूठे दावे करते हैं, जबकि मोदी सरकार ने 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, तो गरीबी के नाम पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ गरीबी को लेकर भाषण पर शिकायत है और पीएम मोदी के खिलाफ धर्म की राजनीति को लेकर शिकायत है, झूठ फैलाने को लेकर शिकायत है और नफरती भाषण देने को लेकर शिकायत है। तो पीएम मोदी के खिलाफ ज्यादा गंभीर मामला बनता है। लेकिन चुनाव आयोग अब क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने ये अपील की है। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बड़े नेताओं को अच्छे उदाहरण सेट करना चाहिए, इलेक्शन के बाकी चरणों में नेताओं को अपनी स्पीच सही करनी चाहिए ताकि समाज में गलत मैसेज ना जाए और सामाजिक ताने बाने को नुकसान ना पहुंचे। यानी पीएम मोदी पर कठोर एक्शन लेने की बजाय चुनाव आयोग अब बड़े कैंपेनर यानी स्टार कैंपेनर से अपील कर रहा है कि आप अपनी भाषा में सुधार लाएं ताकि सामाजिक ताना बाना खराब ना हो। यानी घर से निकलते ही तेवर दिखाए थे कि अगर कोई हेट स्पीच देता है, नफरती भाषण देता है, झूठे दावे करता है, ऐसे भाषण देता है जो सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है, चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और कुछ दूर चलते ही, मतलब 4 चरण दूर चलते ही, चुनाव आयोग अब बस अपील करने को मजबूर है। एक्शन लेने की बजाय अपील की जा रही है। अगर अपील से ही मान जाते बहुत सारे नेता, खासकर पीएम मोदी, तो अब भी वैसे भाषण नहीं देते जैसे चुनावी रैलियों में दिए जा रहे हैं।
धर्म के नाम पर खुल्लम खुल्ला हर रैली में राम मंदिर का जिक्र करके विपक्षी नेताओं को सनातन के खिलाफ बताकर हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करके खुल्लम खुल्ला पीएम मोदी अब भी वही भाषण दे रहे हैं जो उससे पहले दे रहे थे जब चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा के नाम एक नोटिस जारी किया था और पीएम मोदी के बयानों को लेकर जवाब मांगा था। एक नोटिस जेपी नड्डा के नाम जारी किया गया था और एक मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम जारी किया गया था पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है ना ही कोई एक्शन लिया गया है। तो क्या पहले चुनाव आयोग ने या फिर देश के कोर्ट ने बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ इतिहास के एक्शन आपको दिखाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अगर आप चुनाव में भ्रष्ट आचरण करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, विवादित भाषण देते हैं, तो सभी प्रकार के विवादों पर चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। इस देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संसद में पेश किया था यह अधिनियम, और यह अधिनियम पहले आम चुनाव से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई क्या हुई है? 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने चुनाव अभियान के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने रायबरेली से उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। साल 2006 में सोनिया गांधी ने सांसद रहते हुए लाभ का पद लिया था, इस कारण उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। 2007 में उमलेश यादव उत्तर प्रदेश के बिसोली से विधायक चुने गए। अपने चुनाव खर्च को छुपाने के लिए चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। 2014 में जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला आया और अयोग्य घोषित होने वाली वो पहली मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2015 में उत्तर प्रदेश के 2 विधायक बजरंग बहादुर सिंह और उमा शंकर सिंह को सरकारी ठेके लेने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2017 में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने पर 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। इसके अलावा बाल ठाकरे पर भी 6 साल के लिए मतदान करने पर भी रोक लगा दी गई थी। तो कई इतिहास में बड़े एक्शन हुए हैं और अब बहुत सारे नेता इस बात को उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए बाकायदा सवाल पूछा था कि जब मेरे पिता को 6 साल के लिए वोट करने से भी वंचित कर दिया गया था, इतना कड़ा एक्शन लिया गया था, तो आखिरकार अमित शाह और पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो चुनाव में राम मंदिर के नाम पर खुल्लम खुल्ला धर्म की राजनीति कर रहे हैं? तो ये सारे सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अब अपील कर रहा है स्टार कैंपेनर्स से कि प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए जिससे सामाजिक ताना बाना खराब हो। लेकिन चुनाव आयोग को अगर अपना इकबाल रखना है तो ऐसे अपील करने की बजाय अगर एक बार चेतावनी देने के बाद कोई सुधर जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई बड़ा नेता लगातार उसी भाषा का प्रयोग करता है जो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, तो क्या चुनाव आयोग को कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस तरह गुजारिश करने की बजाय क्या चुनाव आयोग को नियमों के तहत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।